हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फराजेबा आज आपके लिए लाई हूँ राजस्थानी दाल बाटी। बारिशों के मौसम में बहुत अच्छा लगता है ये सब खाना। तो आइए हम शुरू करते हैं दाल बाटी बनाना। देखिए दोस्तों, दाल बाटी बनाने के लिए मैंने ये पांचों दालें ली हैं। ये चने की दाल मैंने पहले से भिगो के रख दी है, और ये उड़द दाल और मसूर दाल, ये छिलके वाली मूंग दाल ली है, और ये अरहर दाल। तो ये सारी दालें मैं अब और आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। चने की दाल मैंने पहले से ही भिगो दी थी। देखिए दोस्तों, ये दाल आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रखी। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी प्रेशर कुकर में। दालें अच्छी तरह से भीग गई। भिगो के अगर हमें रखते हैं तो प्रेशर कम लगाना पड़ता है, और बिना भीगी दालें अगर तो हमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ेगी। देखिए मैं इसमें कम से कम 1 लीटर पानी इसमें डाल दूंगी। दाल मेरी ज़्यादा है, मैंने आगे अभी कटोरी का 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और इसके बाद 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, क्योंकि मैं जब इसका छौंक लगाएंगे तो उसमें हरी मिर्ची भी मैं इस्तेमाल करूँगी, और 1 चम्मच अब इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी। और फिर कुकर बंद करके हम 4 सीटी करीब ले लेंगे। आइए दोस्तों, ये बाटी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हम 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं, और 2 कटोरी में सूजी लूंगी, बारीक सूजी है ये, 2 कटोरी सूजी। इसमें 3 कटोरी आटा मिला रही हूँ मैं, ये गेहूं का आटा है। बेसन मुझे पसंद है, मैं बेसन मिला देती हूँ कुछ। वैसे इसको खाली रवा और आप गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं। और जितने मेंबर हैं घर में, मेरे यहाँ ज़्यादा हैं तो मुझे ज़्यादा मटेरियल लेना पड़ा है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच ये अजवाइन है, और 1.5 चम्मच करीब नमक मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा ये हरा धनिया, जिससे कि बाटी अच्छी दिखती हैं। हमारी हरा धनिया काट लिया है, और इसमें आप चाहें तो इसमें दही भी मिला सकते हैं। मैं इसमें मलाई मिला रही हूँ 1 कटोरी के करीब। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे बिस्किट्स की तरह से मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो दही भी मिला सकती हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं 1/2 कटोरी घी मिला रही हूँ। इसमें मोमन हमें अच्छे से डालना होता है, इतना कि हमारे ये मटेरियल की सारी मुट्ठी बनने लग जाए। हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अभी मैंने इतना मिलाया है, कम लगेगा तो फिर मैं और डालूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी, इससे बाटी बहुत खस्ता बनती है। अगर ये कम रह जाएगा तो खस्ता नहीं बनेगी। हम इसको पूरा मिक्स करेंगे, और ये हमारी मुट्ठी बनने लग जाए ना, जब तक इसको मिलाएंगे। फिर पानी डालकर इसको रोटी से थोड़ा सा सख्त गूंदते हैं। पूरी से नरम गूंदना है और रोटी से थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से सारा मिला लिया है घी, और देखें इस तरह से ये आटे की मुट्ठी बनने लग गई है। इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसको पानी से गूंदेंगे। ये मैं उसी कटोरी से पानी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अंदाज रहे कि कितने कटोरी पानी में गूंद गया है ये आटा। देखिए दोस्तों, ये आटा तैयार हो गया है लक्की बाटी के लिए, और इसमें मैंने 2 चुटकी मीठा सोडा खाने वाला और मिलाया था, मैं आपको बताना भूल गई। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी हमने मिलाई है वो सूजी फूलती है, फिर हम इसकी बाटियाँ बनाएंगे।
चले दोस्तों, जब तक हमारा बाटी का आटा रेस्ट कर रहा है, हम दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं। ये मैं ऑयल ले रही हूँ तड़के के लिए, 2 बड़े चम्मच करीब ऑयल लिया है मैंने। अब 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी और 1 चम्मच राई, और ये कुछ कड़ी पत्ते के टुकड़े जो मैंने क्रश कर लिए थे, सूखा हुआ कड़ी पत्ता है, और ये 1 चुटकी हींग है, मैं इसमें हींग डाल दी। और ये लहसुन, 5-6 कलियां लहसुन की मैंने क्रश कर ली है, और ये अदरक है, 1 टुकड़ा अदरक का है, और ये 3 हरी मिर्ची मैंने काट ली है। एक एक करके सब चीज़ें कट करती जाऊँगी। अब इसमें ये 1 बड़ा प्याज मैंने बारीक काट लिया था। ये दाल का तड़का तैयार हो जाएगा हमारा। देखिए इस तरह से सारे फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं दाल में, अपने दाल के साथ में। हल्का गोल्डन हो जाएगा प्याज हमारा, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और दाल में प्रेशर लग चुका है, अच्छे से गल गई है दाल। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका तड़का करूँगी दाल पर। देखिए दोस्तों, प्याज गोल्डन होने शुरू हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये दाल तैयार है। हमें इसकी इतनी पतली दाल रखनी होती है ताकि बाटी जब हम भिगोते हैं तो दाल थोड़ी ठंडा होकर और गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें तड़का करेंगे। देखिए तड़का तैयार हो गया है, टमाटर गल गए हैं। तड़के की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब ये हरा धनिया से थोड़ा हम इसको गार्निश कर देंगे। तड़का तैयार है, दाल पर हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर देंगे। अब ये दाल हमारी तैयार है और हमारा आटा भी तैयार हो गया होगा बाटी का। अब वो रेस्ट कर चुका है, हम उसको बाटी बनाना शुरू करेंगे। आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाटी का आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी गोल गोल बाटी बनाना शुरू करेंगे। ये अच्छे से आटा तैयार है। अब हम छोटी छोटी बाटियां बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाए बाटी। ये इस तरह से हम गोल बाटी बना के बीच में होल करते जाएंगे। देखिए छोटी छोटी लोई लेके उसकी बाटियां तैयार करेंगे। इस तरह से इसी तरह हम सभी बाटियां तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने बाटी बना के रख ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे, और अगर आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। मैं फ्राई करके बनाऊंगी। ये देखिए घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें स्लो पे, ये घी है अच्छे से हो गया है। मैं एक एक करके बाटी डालूंगी इसमें, और मीडियम आँच रखनी है हमको ताकि अंदर तक बाटी अच्छी तरह से सिक जाए। जितनी आराम से बाटी आ जाए इसमें डालती जाऊंगी। और अगर बाटी को हम तंदूर में बेक कर रहे हैं तो उसको फिर बाद में घी में डिप करते जाते हैं, और मैं डायरेक्ट ही घी में ले तल रही हूँ, इसलिए मैं इसमें घी में डिप नहीं करूँगी फिर बाद में, क्योंकि फ्राई ही घी में हो रही है। ये स्लो पर धीरे धीरे होती रहेंगी, गुलाबी तैयार हो जाएंगी, हम इनमें निकालेंगे। ये देखिए अभी एक तरफ से सिक गई हैं, हम इनको पलटेंगे। वाह, देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया इसका। देखिए अब एक साइड से और ये सिक जाएंगी, फिर हम इनको निकाल लेंगे।
ये सारी एक एक करके हम इनको पलट लेंगे। तो स्लो पे सेकना है ताकि अंदर तक से बिल्कुल सिक जाए, कच्ची ना रहे। देखिए दोस्तों, वाह कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इन्हें सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इनको सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, दाल बाटी बनकर तैयार है। और आप इस तरह से अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय।